कहते हैं प्यार एक बार होता है और शादी 7 जन्मों का बंधन है। हालांकि ये बात बॉलीवुड सेलेब्स पर फिट नहीं बैठती। कई बॉलीवुड सितारे ऐसे हैं जिन्हें एक से ज्यादा बार प्यार हुआ है और उन्होंने 2-3 शादी भी की हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, सबकी अपनी पसंद और हालात होते हैं। हम बस यहाँ आपको उन सेलेब्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 2 बार से ज्यादा शादी की है। क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लक्की अली। सिंगर लक्की अली ने 3 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी न्यूजीलैंड की मैगन जैन मैकलेरी थी, जिन्होंने अली के हिट म्यूजिक वीडियो ओ सनम में अभिनय किया था। उनकी दूसरी पत्नी इनाया थी, जिसके बाद 2010 में लक्की अली ने तीसरी बार ब्रिटिश मॉडल कैट एलिजाबेथ हॉलम से शादी की। सिद्धार्थ रॉय कपूर। प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर विद्या बालन से 3री शादी है। उनकी पहली पत्नी उनकी बचपन की दोस्त थी, जबकि उन्होंने 2री शादी एक टेलीविजन प्रोड्यूसर से की थी, लेकिन 2011 में दोनों का तलाक हो गया था। संजय दत्त। बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त ने भी 3 शादियां की हैं। 2008 में मान्यता दत्त से शादी से पहले उनकी 2 पत्नियां और रह चुकी हैं। संजय की पहली पत्नी रिचा शर्मा थी, जिनका ब्रेन ट्यूमर के कारण 1996 में निधन हो गया था। 1998 में इन्होंने एक मॉडल रिया पिल्लाई से शादी की, जिनसे इन्होंने 2005 में तलाक ले लिया था। कबीर बेदी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता कबीर बेदी ने भी 4 शादी की है। उनकी पहली शादी 1969 में बंगाली डांसर प्रतिमा बेदी से हुई थी। कबीर बेदी की दूसरी शादी ब्रिटिश की फैशन डिजाइनर सुशान हम्फ्रीज से हुई। बाद में दोनों का तलाक हो गया और फिर उन्होंने 90 के दशक में टीवी प्रेजेंटर निक्की से शादी कर ली और ये रिश्ता भी बाद में टूट गया, जिसके बाद उन्होंने 4थी बार शादी 71 साल की उम्र में परवीन दुसान से की। विधु विनोद चोपड़ा। 3 इडियट के प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा भी 3 बार शादी कर चुके हैं। उनकी पहली शादी एक फिल्म एडिटर रेनू सलूजा से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने सबनम सुखदेव से 2री शादी की। दोनों बार शादी चल नहीं पाई और तलाक हो गया। फिर 1990 में उन्होंने राइटर अनुपमा चोपड़ा से 3री बार शादी रचाई। करण सिंह ग्रोवर। मॉडल और एक्टर करण सिंह ग्रोवर ने पहली बार 2008 में टेलीविजन अभिनेत्री श्रद्धा निगम से शादी की, जिनसे उन्होंने शादी के 10 महीने के भीतर ही तलाक ले लिया, जिसके बाद उन्होंने को स्टार जेनिफर विंगेट से 2012 में शादी की। इस बार भी उनकी शादी ज्यादा समय तक नहीं टिकी और 2 साल में ही तलाक हो गया। आखिरकार करण ने 2016 में बिपाशा बासु से शादी की और आज वो उनके साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। अदनान सामी। सिंगर अदनान सामी ने 3 शादियां की हैं। अदनान की पहली शादी 1993 में अभिनेत्री जेबा बख्तियार से हुई थी। फिर उन्होंने दुबई की एक लड़की सबा गलादरी से शादी कर ली, जो 2004 तक चली। बाद में अदनान ने 2010 में रोया फरियाबी के साथ शादी रचा ली। नीलिमा अजीम। इस लिस्ट में अभिनेत्री नीलिमा अजीम भी है, जो शाहिद कपूर की माँ हैं। उनकी पहली शादी 1975 में दिग्गज अभिनेता पंकज कपूर के साथ हुई थी, जो शाहिद के जन्म के 3 साल बाद 1984 तक चली थी। उनकी दूसरी शादी 1990 में अभिनेता राजेश खट्टर के साथ हुई, जिससे उन्हें दूसरा बेटा ईशान खट्टर हुआ, जिसके बाद नीलिमा ने 3री शादी राजा अली खान से की। वो भी महज 5 साल तक चली और 2009 में दोनों अलग हो गए। कमल हसन। एक्टर कमल हसन ने 1978 में क्लासिकल सिंगर वाणी गणपति से पहली बार शादी की थी। हालांकि 10 साल तक साथ रहने के बाद दोनों अलग हो गए। बाद में उन्होंने अभिनेत्री शारिका से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, श्रुति हसन और अक्षरा हसन। हालांकि ये शादी भी हमेशा के लिए नहीं चली और 2004 में दोनों का तलाक हो गया। शारिका के बाद कमल हसन का अभिनेत्री गौतमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप शुरू हुआ। कहा जाता है कि दोनों ने शादी भी कर ली थी, लेकिन ऑफिशियल तौर पर कभी इसका ऐलान नहीं हुआ और 2016 में दोनों अलग हो गए। किशोर कुमार। एक उम्दा एक्टर और उससे भी बेहतरीन सिंगर किशोर कुमार ने 4 शादी की थी। उन्होंने 1950 में रूमा गुहा से शादी की थी। फिर उन्होंने 2री शादी 1960 में मधुबाला से की। हालांकि 9 साल बाद मधुबाला का देहांत हो गया। बाद में उन्होंने एक्ट्रेस योगिता बाली से शादी रचाई। ये शादी 2 साल से ज्यादा नहीं चली और 1980 में किशोर कुमार 4थी बार अभिनेत्री लीना चंदवारकर के साथ शादी के बंधन में बंध गए। विनोद मेहरा। वेतरन बॉलीवुड एक्टर विनोद मेहरा की पहली शादी मीना ब्रोका के साथ अरेंज मैरिज थी, जो ज्यादा समय तक नहीं चली, जिसके बाद उन्होंने अभिनेत्री बिंद्या गोस्वामी से शादी की। ये रिश्ता भी आखिर तक नहीं चल पाया और विनोद मेहरा ने 3री बार किरण से शादी कर ली। खुशकिस्मती से ये रिश्ता उनकी आखिरी सांस तक चला।
पवन कल्याण। पावर स्टार पवन कल्याण ने भी 3 शादी की हैं। पवन कल्याण ने पहली शादी 1997 में नंदिनी से की, लेकिन 10 साल बाद 2007 में दोनों का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद दूसरी शादी एक्ट्रेस रेनू देसाई से 2009 में की, लेकिन ये शादी भी टिक नहीं पाई और 2012 में दोनों का डिवोर्स हो गया। और फिर पवन कल्याण ने तीसरी शादी रशियन मॉडल और एक्ट्रेस अन्ना लहजनेवा से 2013 में की। आमिर खान। बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने 2 शादी की है। पहली शादी 1986 में रीना दत्ता से की, लेकिन 2002 में इन दोनों का तलाक हो गया और पहली बीवी से इनके 2 बच्चे हैं। और दूसरी शादी इन्होंने 2005 में किरण राव से की, ये शादी भी टिक नहीं पाई और 2021 में इन दोनों का तलाक हो गया और दूसरी बीवी से इनका एक लड़का है। तो दोस्तों ये थे कुछ सेलेब जिन्होंने 2 से ज़्यादा बार शादी की। इन फिल्मी सितारों की निजी ज़िंदगी देखने के बाद पता चलता है कि फिल्मी दुनिया उतनी भी रंगीन और खुशहाल नहीं है जितना ये बाहर से दिखती है। फिल्मी स्टार भी अपने अंदर न जाने कितने दर्द समेट कर अपने सच्चे प्यार की तलाश में भटकते रहते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इनमें से आपका फेवरेट कौन है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।